आई थिंक आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं वाकई बहुत तादाद में हैं। राजीव गौर, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। ये फिल्म अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग नज़र आ रही है। तो राजीव, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फीवर फिल्म का नाम क्यों यार, सबसे पहले तो ये बताओ। मैंने भी ये सवाल राजीव से पूछा था जब ये लेके आए थे। मैंने कहा फीवर क्यों है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी उस समय, जो लाइन उनकी नहीं थी, उन्होंने कोट की थी कहीं से, दैट फीवर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर रेज, व्हिच इज सो ट्रू, बहुत बढ़िया। इज द एंग्स्ट विद इन। सो बेसिकली फीवर का मतलब वहाँ से शुरू हुआ था, और सिर्फ नाम रखने के लिए नाम नहीं रखा था, उसके पीछे पूरा एक स्टोरी है। यू नो, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी सी द फिल्म, बट इट इज़ अ वेरी एप्ट टाइटल फॉर द फिल्म। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो बातें बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी दैट अरबाज भाई एंड सोहेल भाई दे आर हियर। यू नो, हमारी इंडस्ट्री में वी हैव ऑल काइंड ऑफ पीपल लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, बट दीज टू गाइज, आई थिंक एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे लगता है बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं। आई थिंक इट रन इन द फैमिली। फ्रॉम द डे आई एंटर्ड, आई डिड माई फर्स्ट पायलट। मैं जब बॉम्बे में आया था तो मैंने अरबाज भाई के साथ में एक पायलट शूट किया था जो कभी आया नहीं बाहर। तब से लेकर आज तक, जब मेरी पहली फिल्म आमिर आई, मुझे याद है सोहेल भाई ने फ़ोन किया मुझे, मैं कहीं पर सेलिब्रेट कर रहा था, घर बुलाया, आई मेट सलीम अंकल, एंड आई एम लाइक आई वॉज अ नोबडी, यू नो, फॉर देम, बट दे स्टिल मेड एन एफर्ट टू एटलीस्ट कॉल मी, एंड एंड ऑफ कोर्स आई मेट सलीम अंकल एंड ही वॉज इक्वली काइंड। आई थिंक टू वेरी वेरी काइंड पीपल हैव आई हियर, एंड आई थिंक आई कांट आस्क फॉर मोर। आपने तो रुलाई दिया था मुझे वहाँ बैठ के, बस। सो थैंक यू सो मच। एंड या, सो कमिंग बैक टू फीवर, आई होप यू गाइज एंजॉय द ट्रेलर। यू नो, लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन इन, लॉट ऑफ पीपल हैव बीन इन्वॉल्व, बहुत सारे लोगों की मेहनत है। ये सिर्फ जो सामने आपके आगे खड़े होकर जो बातें करेंगे वही नहीं है, इसके पीछे पूरी टीम है। आपने विजुअल देखे होंगे, इतनी आसानी से शूट नहीं कर सकते थे इस फिल्म को। जो प्रोडक्शन टीम है, जो स्पॉट बॉयज़ हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, आई थिंक अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये फिल्म पुल ऑफ करना ही इम्पॉसिबल था। सो आई थिंक अ बिग बिग थैंक्स एंड अ बिग कंग्रेचुलेशन टू द होल टीम फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स। एंड हियर वी आर। सो बहुत जल्दी ये फिल्म आपके सामने आ जाएगी, एंड लेट्स सी हाउ यू रिएक्ट टू इट। बिल्कुल गौर, ऐसी फिल्में जो फास्ट पेस की होती हैं, जहाँ पे सस्पेंस होता है, थोड़ा थ्रिलर, क्या है कहानी का एकदम, अगर वन लाइनर बोलूँ तो क्या है ये? वन लाइनर से पहले मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी, पर पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि आप यहाँ आए। इट मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस, बिकॉज अ फिल्म लाइक दिस, जैसे सोहेल ने बताया कि it really needs all your support, so thank you so much, I appreciate it. And I see the very talented Javed Jafri also with us, ladies and gentlemen. Unke liye zordar taaliyan de dijiye, because thank you for your support, thank you for being here. Yeah, coming back to your question, ek line mein aisi film ko aap bayan nahi kar payenge actually, kyunki jaise likha hai, be suspensed, aur suspense jahan par aata hai wahan par kafi elements hote hain, characters ke kafi shades hote hain. तो यस, देर आर मैनी एलिमेंट्स, लेकिन आई थिंक बी सस्पेंस्ड इज द राइट वर्ड फॉर फीवर, इफ आई हैव टू सम इट अप। राजीव, थ्रिल एक्स, ये क्या है एक्स? थ्रिल तो समझ में आता है, एक्सोटिक नहीं, एक्स से बहुत सारी चीजें निकल के एक्साइटिंग हैं, एक्साइटिंग और भी कुछ निकलता है, एक्स फैक्टर और भी कुछ निकलता है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपको क्या लगा? मैं क्या बोलूं, मत बुलवाओ मेरे मुंह से यार। अब वो बाकी हम आपके इमेजिनेशन पे छोड़ देते हैं, बट दीज आर द टर्म्स वी थिंक ऑफ, क्योंकि जब थ्रिलेक्स की बात हुई, जैसे राजीव बता रहे थे कि इट्स अ थ्रिलर विद एन एक्स फैक्टर, अब वो एक्सॉटिक लोकेशंस हैं या एक्साइटमेंट है या यू नो, जो हम कहना नहीं चाहते वो सब है। एक्चुअली एक्स बड़ा कमाल का है ना, आगे लगाओ तो कुछ और होता है, पीछे लगाओ तो और भी एक्साइटिंग हो जाता है, तो आई थिंक या दिस इज अ थ्रिल। राजीव और तीन तीन लड़कियां, तो मैंने सोचा शायद कुछ और होगा। गौर, ये फिल्म करने का क्या एक मेन रीजन क्या था, आपको क्या लगा कि ये फिल्म मुझे करनी ही चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, एंड आई एम डाइंग टू से दिस, क्योंकि जब मैंने इशक जादे की, रॉकेट सिंह की, गेम की, उस वक्त मुझे लोग पूछते थे कि आप लीड रोल्स क्यों नहीं कर रही हैं, और मैं हमेशा कहती थी मेरे हर इंटरव्यू में कि आई ओनली डू थिंग्स दैट एक्साइट मी, जहाँ पर रोल्स मुझे एक परफॉर्मेंस करने का, डिलीवर करने का एक स्कोप देते हैं। एंड थैंकफुली मुझे ऐसा एक लीड रोल मिला जहाँ पर परफॉर्मेंस करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और वो क्या है वो आप फिल्म में देखेंगे।